गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बही खाता है लेकर शास्त्र में कक्षा 12 की क्लास में त्याग अनुपात की गणना करना सीखेंगे। त्याग अनुपात का फार्मूला होता है त्याग अनुपात बराबर पुराना माइनस पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। फिर वो भी पुराना माइनस नया वही बात होगा, बस त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसको बोलते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इंग्लिश में बात करें तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सॉरी सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये मेरा होता है फार्मूला हो गया। क्वेश्चन आपके सामने है कि राम और कृष्ण एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने सोहन को 1/5 के लिए साझेदार बताया। कितने के लिए? 1/5 के लिए। राम और कृष्ण का निकालना है का त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात आपसे कह रहा है त्याग अनुपात। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे दिया गया ओल्ड रेशियो और सोहन का हिस्सा दिया गया है। तो त्याग अनुपात में चाहिए मुझे क्या? ओल्ड रेशियो मालूम है बट न्यू रेशियो नहीं मालूम। तो पहले हम निकालेंगे न्यू रेशियो। और सर न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? ये केस नंबर 1 का है, अनुपात निकालेंगे जो आपको सिखाया गया पिछले वीडियो में। आइए कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। दिया गया है राम और श्याम, ठीक है, एक फर्म में साझेदार है 2:3 के लिए और सोहन आ रहा है 1/5 के लिए। तो लिखिए माना लाभ बराबर 1 बराबर 1। आप एक्स भी मान सकते हो कि अपना समझने का है सोहन का हिस्सा करा 1/5। तो लिखेंगे शेष हिस्सा, शेष से कितना हो जाएगा 1 - 1/5 इस कर तो 4/5। सर कैसे सॉल्व हुआ इसको आपको मालूम है, ठीक है, बता दें। चलिए देखिए, कोई हिस्सा था एक था उसमें से लिखिए 1/5 तो बचा कितना 4/5। चलिए उसके बाद देखिए राम का नया हिस्सा, राम का नया हिस्सा तीन बटा पांच था उसमें से दे दिया 1/5 बोले 1/5 कितना हो गया भैया सही 4/5 बचा हुआ है। तो कितना हो गया 4 × 3 = 12 और 5 × 5 = 25। राम के बाद कौन था? श्याम का नया हिस्सा, श्याम का हिस्सा ही बोल सकते हैं हम लोग, क्यों ना बोलना का है। कुछ लोग श्याम का नया हिस्सा बोलते हैं या श्याम का हिस्सा बात देखी होता है 2/5 × 4/5 = 8/25। और आपको सोहन का दिया गया है का हिस्सा 1/5 तो रेस्ट क्या बना भाई रेशियो इस अनुपात बराबर 12/25 कामा 8/25 1/5। सर यहाँ तो मेरा 5 है बराबर नहीं है तो मैं क्या करता हूँ इसको 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5/25। अब रेशियो आपके सामने एकदम इजी निकल गया। न्यू रेशियो इस रेशियो इक्वल टू है बराबर हो गया 12:8/5। यही आपका न्यू रेशियो हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? हमेशा न्यू रेशियो मालूम हो गया, ओल्ड रेशियो मालूम हो गया, अब हम सेक्रीफाइस रेशियो को निकालते हैं। फार्मूला आपको बताया गया सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो मेरा कितना था राम और श्याम का? अच्छा सुन, आप लोग सोच रहे होंगे सर मैं क्या ओल्ड रेशियो सबका निकालूं? नहीं, ओल्ड रेशियो केवल ओल्ड साझेदार का निकलता है, ओल्ड पार्टनर का निकलता है। तो मींस राम और श्याम का निकलेगा, मैं राम भी लिख दूंगा और श्याम भी लिख दूंगा। जैसे जो आई ए एम ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 / 2/5 और न्यू कितना मिला जी 12/8 = 25 12/25 = 8/25। इसको सॉल्व करेंगे लास्ट होगा 25
और भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15 माइनस 12 बराबर 3/25। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 25 लाशा हो जाएगा, 5 10 8 9 8 बराबर 2/25। सेक्रीफाइस रेशियो मिला इस सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू क्या मिला? देखिए दोनों की बात दोनों इक्वल है, 3:2। यही आपका आंसर है। आप लोग सोच रहे हैं क्या सकते हैं माता जी, केस नंबर जब एक लगता है न्यू रेशियो निकालने का, तो जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही आपका हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो होता है। इसलिए अगर मुझे सिर्फ कहा गया होता क्या होगा तो मैं तुरंत देख लेता क्या 3:2, लेकिन निकालना था इसलिए मुझे निकालना गया था। पहले क्या निकाले? न्यू रेशियो, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने निकाल के सेक्रीफाइस रेशियो जो आपके सामने है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।